दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, केवल वनडे नहीं टेस्ट मैचों में भी टीम इंडिया में शामिल होते ही ऋतुराज गायकवाड़ की आंखों में आंसू आ गए। फिर इस उभरते सितारे ने इसका पूरा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देते हुए जो कुछ भी कह दिया, उनकी बातें सुनकर आप भी धोनी को दिल से सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आखिरकार क्यों अपनी सफलता का श्रेय ऋतुराज ने धोनी को दे दिया? क्या कुछ बताया है इस खिलाड़ी ने करोड़ों दिलों को जीत लेने वाला उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋतुराज और शुभमन गिल में कौन सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद भारतीय चयनकर्ताओं ने वेस्टइंडीज की अग्नि परीक्षा के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें टेस्ट मैचों के साथ साथ वनडे में किन युवा सितारों को मौका मिला है इसका ऐलान हमें देखने को मिलने वाला है। इसमें कई बड़े सितारों के करियर पर विराम लगता हुआ हमें दिखने वाला है, तो वहीं युवा खिलाड़ियों के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की तैयारी बीसीसीआई ने कर ली है। और इन दोनों ही सीरीज के लिए कई ऐसे उभरते हुए खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने मौका दिया है जो विश्व क्रिकेट में अपनी नई छाप छोड़ने के लिए बेकरार हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इन खिलाड़ियों में सबसे खास नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का। महेंद्र सिंह धोनी के सानिध्य में खेलने वाला यह खिलाड़ी आईपीएल 2023 में धमाल मचाते हुए आ रहा है। उन्होंने खेले गए 16 मैचों में 42 में से अधिक की औसत से 590 रन बनाए हैं। तो वहीं इससे पहले भी उनके बल्ले से एक के बाद एक शतकों की बौछार देखने को मिली थी। आखिरकार अब इस खिलाड़ी को उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है और वेस्टइंडीज के खिलाफ केवल टेस्ट क्रिकेट ही नहीं बल्कि वनडे क्रिकेट में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका बीसीसीआई ने उन्हें दिया है। जी हाँ दोस्तों, 12 जुलाई से शुरू होने वाले वेस्टइंडीज दौरे में ऋतुराज गायकवाड़ हमें केवल टेस्ट ही नहीं बल्कि वनडे में भी अपना जौहर दिखाते नजर आ सकते हैं। ये खबर सामने आने के बाद तो उनके फैंस में जश्न का माहौल है, सभी उनके लिए खुशियां मना रहे हैं। लेकिन ये बात सुनकर तो ऋतुराज अपने आंसुओं को काबू में नहीं रख पाए। उनकी खुशियां सातवें आसमान पर थी और उसके बाद उन्होंने चयनकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए महेंद्र सिंह धोनी के लिए कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं चयनकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा और अपना 100% जाकर भारतीय टीम को जीत दिलाऊंगा। थैंक यू बीसीसीआई मुझे ये मौका देने के लिए। तो वहीं इसका पूरा श्रेय धोनी को देते हुए उन्होंने कहा कि ये सब कभी संभव नहीं हो पाता यदि धोनी भाई के साथ मैं आईपीएल नहीं खेलता। उन्होंने मेरे करियर को नई दिशा दी है और मुझे एक नए खिलाड़ी के तौर पर उभारा है। उन्होंने मुझे जो कुछ दिया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। थैंक यू धोनी सर, आपकी वजह से ही अब मैं भारतीय टीम के लिए अपना डेब्यू करने वाला हूँ। इसी कारण आपको सबसे महान कहा जाता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके साथ खेलने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज तो अपने आंसुओं को भी रोक नहीं पाए थे और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट को एक और नगीना तोहफे में दिया है जिसका नाम ऋतुराज गायकवाड़ है, जो अब विश्व क्रिकेट में भी जौहर मचाने के लिए बेकरार हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ऋतुराज को स्क्वाड के बाद प्लेइंग 11 में भी मौका दिया जाता है या नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऋतुराज के अलावा कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसे भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए थी? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए।